दोस्तों, क्या आप जानते हैं शराब या अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? क्या ये मेटाबॉलिज्म पुरुषों और महिलाओं में दोनों में एक ही तरह से होता है? आइए आज के इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। दोस्तों, अगर आप स्वास्थ्य से जुड़ी साइंटिफिक जानकारी आगे भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर जरूर करें। जैसे ही अल्कोहल छोटी आंत के एपिथेलियल सेल्स को क्रॉस करता है और कैपिलरीज की दीवार को क्रॉस करके खून तक पहुंचता है, वैसे ही वह खून के बहाव के साथ वेन्स में ही पहुंच जाता है और वेन्स अल्कोहल को शरीर के दूसरे अंगों तक ले जाती है, जैसे कि लिवर, किडनी, ब्रेन, लंग्स। और यहां तक कि अगर गर्भवती महिला अल्कोहल का सेवन करती है तो अल्कोहल अजन्मे बच्चे तक भी पहुंच जाता है। जब अल्कोहल हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है तो वहां अल्कोहल हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में बदलाव करता है, जो हमारे स्वभाव को और हमारे थॉट्स को बदलता है। अल्कोहल हमारे न्यूरॉन्स यानी कि ब्रेन सेल्स में भी ट्रांसमिशन को ब्लॉक करता है और फिर अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के असर हमें नजर आने लगते हैं, यानी नशा होने लगता है, जैसे कि मूड में बदलाव, ठीक से सोच ना पाना, कोई डिसीजन ढंग से ना लेने पाना, इम्पल्सिव बिहेवियर, जबान का लड़खड़ाना, कुछ याद ना रहना, रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाना, ठीक से चल ना पाना और पैरों का लड़खड़ाना। और ये सभी असर इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपने कितनी शराब पी है। जितनी ज़्यादा शराब आप पियेंगे उतना ज़्यादा ये असर आपको होंगे। इसके अलावा शराब हमारे ब्रेन में डोपामीन का सिक्रीशन भी करता है, जो कि एक प्लेजर हार्मोन है, यानी इस हार्मोन के सिक्रीशन से आपको प्लेजर यानी कि खुशी महसूस होती है, इसलिए लोगों को शराब पीने के बाद अच्छा महसूस होता है। पर जितना ज़्यादा शराब हम पीते हैं उतना कम डोपामीन हमारे फिर सिक्रीट होने लगता है, इसलिए लोग उस सेम प्लेजर वाली फीलिंग पाने के लिए शराब और ज़्यादा पीने लगते हैं और धीरे धीरे अल्कोहल के एडिक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर का वह मुख्य अंग जहां अल्कोहल प्रोसेस होता है वो है लिवर। लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है और लिवर का मुख्य काम होता है शरीर से हर तरह के टॉक्सिक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। अल्कोहल इनटेक का 90% भाग लिवर में मेटाबोलाइज होता है। लिवर करीब 14 ग्राम अल्कोहल प्रति घंटे मेटाबोलाइज करता है, पर यह हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। शरीर में किस दर से और कितना जल्दी अल्कोहल मेटाबोलाइज होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की जनरल हेल्थ कैसी है, उसने कितनी शराब पी है, इससे पहले उसने कब और कितनी शराब पी थी, उसने शराब के साथ क्या खाया था, कितना खाया था। इसके अलावा उस व्यक्ति के जेनेटिक्स पर भी ये निर्भर करता है। और दोस्तों, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म महिलाओं और पुरुष में सेम नहीं होता है और इसका कारण ये है, दोनों में पाए जाने वाले जो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस या ADH एंजाइम है वो थोड़े अलग होते हैं। पुरुषों में अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम महिलाओं की तुलना में ज़्यादा होता है और ये एंजाइम पुरुषों में लिवर और पेट दोनों अंगों में पाया जाता है, जिस वजह से पुरुषों में पेट में पाए जाने वाले ADH एंजाइम से अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन पेट से 30% तक कम होता है, जबकि महिलाओं में पेट में ये ADH एंजाइम होता ही नहीं है और सिर्फ लिवर में ADH एंजाइम होता है। और इस वजह से महिलाओं में पेट से अल्कोहल ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है और ब्लड तक पहुँचता है। और तो और, महिलाओं में लिवर में पाए जाने वाला ADH एंजाइम पुरुषों में पाए जाने वाले एंजाइम की तुलना में कम सक्रिय होता है। और अगर कोई महिला और पुरुष बराबर मात्रा में और बराबर समय तक अल्कोहल का सेवन करते हैं तो महिलाओं में अल्कोहल का नशा ज़्यादा होता है और जल्दी होता है। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे भी ऐसी जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।